और कॉर्पोरेट आर में अब हम फोकस करेंगे ईज माई ट्रिप. ये कंपनी हमारे फोकस में क्यों है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप जानते हैं 7,000 करोड़ रुपए तक का इसका मार्केट कैप है. ऑनलाइन ट्रैवल सर्विस प्रोवाइडर है, एंड टू एंड ट्रैवल सॉल्यूशंस देती है, एयर टिकट्स, होटल्स, हॉलीडे पैकेज, रेल टिकट्स, बस टिकट्स और टैक्सी सहित कई वैल्यू एडेड सर्विसेज भी देती है. तो एंड टू एंड सॉल्यूशन देने का काम यहाँ पर ट्रैवल रिलेटेड ये कंपनी करती है. कंपनी के आज हमारे फोकस में आने का कारण ये है कि 3 कंपनियों का एक्विजिशन एक साथ अनाउंस किए हैं इन्होंने. 51% स्टेक इन 3 कंपनी में कंपनियों में लिया है, जैसे कि गाइडलाइन ट्रैवल्स, हॉलीडे इंडिया, डूक ट्रैवल्स प्राइवेट और ट्रिप शॉप ट्रैवल टेक्नोलॉजीज. ये 3 कंपनीज में 51% का जो स्टेक है, इसकी क्या वैल्यू है, क्या इससे सिनर्जीज मिलती है, आगे क्या आउटलुक है, ये जानने की कोशिश करते हैं. हमारे साथ कंपनी के को फाउंडर प्रशांत पिट्टी जुड़ रहे हैं. प्रशांत, गुड आफ्टरनून. क्लियरली ये 3 बड़े एक्विजिशन जो आपने अनाउंस किए हैं, 51% स्टेक जिसमें आपने एक्वायर की है, क्या मायने रखता है, कितना वैल्यू एडिशन करेगा ये आपके करंट बिजनेस को, और कितनी इसकी रिफ्लेक्शन आपके बुक्स में दिखेगी, इन व्हाट फॉर्म एंड बाय व्हेन? फर्स्टली थैंक यू स्वाति फॉर हैविंग मी ऑन द शो. स्वाति, जैसा कि आपको पता है, इज माई ट्रिप की ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है, इंटरनेशनली भी, इंडिया के अंदर भी, ऑर्गेनिकली भी, इनऑर्गेनिकली भी. हमने लास्ट ईयर दुबई के अंदर और यूके के अंदर अपना बिजनेस शुरू किया था, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है हमारे पास में. प्लस हमने जो लास्ट में कंपनी एक्वायर करी थी, वो कंपनी भी प्रॉफिटेबली ग्रो कर रही है, तो इससे हमें काफी प्रोत्साहन मिला है टू एक्वायर मोर कंपनीज. और जैसा कि हमने पहले कहा था दैट वी आर लुकिंग फॉर प्रॉफिटेबल एसेट लाइट कंपनीज जो ट्रैवल के अंदर अच्छा काम कर रही है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हमने 3 कंपनी एक्वायर की है. तीनों ही प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं, तीनों ही एसेट लाइट कंपनियां हैं, और सबसे बड़ी बात, तीनों ही हॉलीडे स्पेस के अंदर फोकस करती है. हमारा एयर का बिजनेस, होटल का बिजनेस ऑलरेडी काफी अच्छा बिजनेस है, तो हम हॉलीडे के बिजनेस को, क्रूज के बिजनेस को सॉलिडिफाई करना चाहते हैं, उसके लिए हमने ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ की है. मैं एक कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा. ड्यूक ट्रैवल जो है ये फिक्स डिपार्चर्स करती है CIS कंट्रीज के लिए और बाल्कन कंट्रीज के लिए. फिक्स डिपार्चर्स हो गया कि भाई पूरा का पूरा आइटनरी बना हुआ है, पूरा ग्रुप जा रहा है, अगर आपको उसके अंदर 2 लोगों को जाना है, 4 लोगों को जाना, तो आप साथ में जा सकते हो. तो स्वाति, जैसा आप समझ सकते हैं, हमारी जैसी कंपनी के लिए जिसपे ऑलमोस्ट 10 लाख लोग एवरी डे हमारी मोबाइल ऐप पे या हमारी वेबसाइट पे आते हैं, उनके उन जगह पे हमारे पास में एक फिक्स पैकेज बेचने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रेदर देन कस्टमाइज पैकेज. कस्टमाइज पैकेज पे आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको कस्टमर की पूरी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है, उसको पैकेज बना के देना पड़ता है, और फिर वो पे करे ना पे करे उसकी मर्जी होती है. लेकिन फिक्स पैकेजेस आपने पूरा का पूरा डिटेल ऑनलाइन पढ़ लिया है, आपको पे करना है तो आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, और आपकी आपकी एक सीट या 2 सीट्स रिजर्व हो जाएगी उस ग्रुप पैकेज के अंदर. तो इसको बेचने में हमें आसानी होगी, इसलिए हमने ड्यूक ट्रैवल का 51% परचेज किया है. जो एग्जिस्टिंग फाउंडर है मिस्टर संदीप, वो कंटिन्यू करेंगे बिजनेस को रन करना. प्लस दूसरी कंपनी गाइडलाइन ट्रैवल्स इंडिया का एक बहुत बड़ा मेजर कंसोलिडेटर है फॉर द क्रूजेस. अगेन, क्रूज भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपको कस्टमाइजेशन करने की जरूरत नहीं होती है. आपने डेट्स चूज करी और उन डेट्स पे आप क्रूज पे जा सकते हो, आपका खाना, रहना, पीना सब इंक्लूडेड होता है क्रूज के अंदर. तो क्रूज भी एक ऐसी चीज है जो कि हम बहुत आसानी से ऑनलाइन बेच सकते हैं. प्लस गाइडलाइन ट्रैवल्स एक बहुत बड़ा कंसोलिडेटर है फिक्स डिपार्चर्स का फॉर वेजिटेरियंस. जो वेजिटेरियंस हैं, जो जैनीज हैं, जैनी फूड वाले हैं, जो अपने ग्रुप में जाना चाहते हैं और ग्रुप में ही जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको एक फूड का साथ में एक आदमी साथ में कुक भी जाता है इनके ग्रुप के अंदर, जो कि खाना हमेशा प्रोवाइड करता है. बहुत सारे लोगों को बाहर जाने का ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि उनको जैनी फूड कैसे मिलेगा, उनको वेजिटेरियन फूड कैसे मिलेगा, तो ये बहुत अच्छा काम करती है गाइडलाइन ट्रैवल्स. तो ये दूसरी कंपनी है जो हमने एक्वायर की है. तीसरी कंपनी ट्रिप शॉपी है, जो एक बहुत बड़ा कंसोलिडेटर है कश्मीर रीजन का. आर्टिकल 370 के रिमूव होने के बाद से कश्मीर के अंदर टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और ट्रिप शॉपी 4,000 ट्रैवल एजेंट्स को कश्मीर का एक्सेस देती है, जहां पे आप हॉलीडे बुक कर सकते हो कश्मीर का, होटल बुक कर सकते हो, फ्लाइट्स बुक कर सकते हो. तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हमने ये 3 कंपनीज एक्वायर करी है. ओके, फेयर इनफ. तो आपने बहुत अच्छे से समझाया ईच ऑफ द कंपनी की क्या यूएसपी है, कहाँ वो स्पेशलाइज करती है, और क्या इसका काम है जो आपको और कस्टमाइज्ड ऑप्शंस ट्रैवलर्स के लिए प्रोवाइड करती है. तो ये तो इनका फिट हुआ, लेकिन मैं समझना चाहूँगी 2 बातें. पहले तो इन 3 कंपनीज को जो आपने खरीदा है, इसमें जो स्टेक, वो कितना अमाउंट करता है, उसको आप कैसे फंड करेंगे, उसका पेमेंट या उसकी कंप्लीशन हम कब तक देखेंगे होते हुए, और दूसरा ये आपकी
टॉप लाइन और बॉटम लाइन में क्या वैल्यू एडिशन करेगा व्हेन दीज थ्री विल बी कंप्लीटेड एज पार्ट ऑफ योर कंपनी इनका एक्विजिशन? ये तीनों की जो कंपनी का एक्विजिशन है ये बाय इक्विटी स्वाप हो रहा है। जैसा मैंने आपको बताया तीनों कंपनी प्रॉफिटेबल है तो इन कंपनी में कोई कैश इन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, ये सिंपल इक्विटी स्वाप के बेसिस पे हो रहा है तीनों कंपनियां, जिसकी वजह से कंपनी के अंदर कैश फ्लो के अंदर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। और कोई भी एक्विजिशन 1+1 शुड बिकम 3, शुड नॉट बिकम 2। यहां पे इन कंपनियों को ये बेनिफिट मिल रहा है कि इज माई ट्रिप की वजह से इनको बहुत अच्छा ट्रैफिक मिलने वाला है जो इनके पास में अभी है नहीं, जिसको ये परचेज करते हैं एडवर्टाइज करके, अभी उनको ट्रैफिक मिलने वाला। और हमें इस कंपनी के अंदर ग्रोथ दिख रही है। हमारा जो हॉलीडे सेक्शन है जो इतना स्ट्रांग नहीं है, हमारा हॉलीडे इज अ प्रोडक्ट, वो इस वजह से स्ट्रांग हो रहा है। तो इसके जो अमाउंट की बात है ये अभी मेरे ख्याल से हम डिस्क्लोज करने वाले हैं सेबी के अंदर कुछ टाइम के अंदर, तो जैसे ही डिस्क्लोज होगा वैसे ही आपको पता चल जाएगी इन्फॉर्मेशन। बट ये सारे का सारा एक्विजिशन कैशलेस हो रहा है, इक्विटी स्वाप से हो रहा है। इक्विटी स्वाप से हो रहा है, बट इसका क्या क्वांटम, इफ यू वर टू गिव अ नंबर, टोटल एक्विजिशन कॉस्ट है कितनी? ये नंबर मैं नहीं बता पाऊंगा, सेबी में पहले जाएगा जो कि विद इन अ वीक चला जाएगा और फिर आप वहां से देख सकते हैं। ओवरऑल टॉप लाइन बॉटम लाइन पे डिसेंट इंपैक्ट आना चाहिए इस वजह से कंपनी के अंदर, कितना इंपैक्ट आना चाहिए? डिसेंट इंपैक्ट आना चाहिए। कैन यू डिफाइन इट, कितना आपकी जो वर्किंग है जिस हिसाब से आपने इस, जब आप एक्विजिशन इनका कर रहे थे, तो कितना इम्प्रूवमेंट आ जाएगा ऑन योर टॉप लाइन एंड बॉटम देखिए लाइन थ्रू दिस? टॉप लाइन बॉटम लाइन के अंदर जो पूरा एक्विजिशन की वजह से इंपैक्ट आएगा, क्योंकि और भी काफी एक्विजिशन पाइपलाइन के अंदर है कंपनी के अंदर, तो काफी अच्छा इंपैक्ट आएगा पूरे साल के अंदर। मैं भी ये बता पाऊंगा, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पाऊंगा। ओके, बट आपके पास अभी बुक्स पे 48 करोड़ रुपीज है कैश। आगे के एक्विजिशंस की जो आप बात कर रहे हैं वो कौन से एरियाज में होगी? क्या उधर भी इक्विटी स्वैप ही मोड होगा टू अक्वायर, या यू यूज योर कैश फॉर सम ऑफ दीज एक्विजिशंस इन फ्यूचर? डिपेंड करता है कि कंपनी को कैश की जरूरत है कि नहीं है। अगर किसी कंपनी को कैश इन्फ्यूजन की जरूरत है जिसके अंदर कैश डालने से उसका बिजनेस और तेजी से ग्रो हो सकता है तो हम कैश भी इन्फ्यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली हम इक्विटी स्वाप के बेसिस पे कंपनीज कंसिडर कर रहे हैं। ओके, और कितनी कंपनीज आपके रडार पे हैं इस वक्त? ये नंबर बोलना थोड़ा मुश्किल होगा बट दे आर बंच ऑफ कंपनीज जिनसे हमारी बात हो रही है। बट हमारा एक्विजिशन की स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है कि हम प्रॉफिटेबल कंपनी, ग्रोइंग कंपनी, नॉन ईयर से रिलेटेड कंपनीज और एसेट लाइट कंपनीज, डेट फ्री कंपनीज ही एक्वायर कर रहे हैं। ओके, तो ये बताइए उस उन कंपनीज की ज्योग्राफिकल रीच के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको देख रहे हैं, क्या एग्जैक्टली आपके पैरामीटर्स हैं, या सेगमेंट में जानना चाहूंगी एक्विजिशन के जो आपकी गैप्स को फिल करेगा, तो कहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक्विजिशंस, किन किन वर्टिकल्स में? जैसा मैंने बताया मोस्टली हम नॉन ईयर वर्टिकल में देख रहे हैं एक्विजिशंस, और जहां पे हमारी स्ट्रेंथ है वो है इंडियन कंज्यूमर्स। हम इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट ट्रैवल पोर्टल है, हमारे पास में लगभग 1.5 करोड़ कंज्यूमर बेस है इंडिया के अंदर, तो कंज्यूमर बेस हमारे पास में बहुत स्ट्रांग है, 15 मिलियन कंज्यूमर बेस है। तो जहां पे भी ये कंज्यूमर बेस हम यूज कर सकते हैं टू ग्रो द कंपनी विच वी आर एक्वायरिंग इज हाउ वी आर लुकिंग एट थिंग्स। ओके, श्योर। सो काफ़ी और एक्विजिशंस है पाइपलाइन में जैसा आप बता रहे हैं। क्विकली ये जाना चाहेंगे, बोर्ड ने कल ये भी 90 करोड़ रुपए रेज करने का अप्रूवल भी यहाँ पर दिया है, प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स। इनको कहाँ यूज़ करेंगे फंड्स को? ये एक्विजिशन के लिए ही रेज हो रहे हैं या देर आर मोर अपॉर्चुनिटीज यू लुकिंग एट? ये कुछ एक्विजिशन, कुछ मार्केटिंग उनके लिए यूज होगा। ये 90 करोड़ जो somebody is buying the shares and for that we have taken an approval to allot 90 crores worth of preferential shares by the board. ओके, तो ये दोनों मार्केटिंग स्पेंड्स के लिए भी और एक्विजिशन के लिए भी ये अमाउंट यूज होगा। इसके आगे भी प्लान है कुछ और स्टेक बेचने का? ये स्टेक बेचना नहीं कहेंगे हम इसे, ये प्राइमरी कैपिटल है। इनफैक्ट ये इस मैटर की पहली प्राइमरी कैपिटल होगी जब से कंपनी फॉर्म हुई है। आज तक 15 सालों के अंदर कोई भी प्राइमरी कैपिटल कंपनी में नहीं आई है, जितना भी पैसा डाला है वो प्रमोटर्स ने ही डाला है, कोई भी एक्सटर्नल प्राइमरी कैपिटल नहीं आई है। आईपीओ में भी नहीं आई थी और उसके बाद भी नहीं आई है। ये मेरे ख्याल से हमारा पहला प्राइमरी कैपिटल रेज होगा 90 करोड़ का। ओके, फेयर इनफ। बुकिंग ट्रेंड्स और ओवरऑल मार्केट कैसा दिख रहा है? क्या
क्या जो ग्रोथ मोमेंटम हमने देखा था आफ्टर कोविड वाज लिफ्टेड, फिर वो रिवेंज ट्रैवल का एक फेज आया था, क्या वो मोमेंटम आपको लगता है अब कंटिन्यू हो ही रहा है और लोग वाकई ट्रैवल एंड बुकिंग्स आपको स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं? अभी समर सीजन ऑलमोस्ट काइंड ऑफ ख़त्म हुआ है, किस तरीके के ट्रेंड्स रहे और आगे क्या दिख रहा है एडवांस बुकिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? स्वाति, मैं आपके ही टेलीविजन शो पे आके बोल चुका हूँ कि हम बहुत कंफर्टेबल हैं कि FY24 में हम अपने नंबर डबल कर पाएंगे FY23 के मुकाबले। तो ये कंफर्ट जो हमें दिख रहा है, ये इस वजह से दिख रहा है कि इंडस्ट्री बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है, प्लस इज माई ट्रिप इंटरनेशनली भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, डोमेस्टिकली बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, और हमारी एक्विजिशन स्ट्रैटेजी भी बहुत सॉलिड है। बहुत सारी ट्रैवल कंपनियां हैं जो इस टाइम कंसोलिडेट होना चाहती हैं, एक बड़ी ग्रुप कंपनी के अंडर आना चाहती हैं और एक उभरती हुई कंपनी के पास आना चाहती हैं। तो इस वजह से हमारे पास में बहुत अच्छा ऑर्गेनिक बहुत अच्छी कंपनीज भी आ रही है जो खुद से रीच आउट कर रही है टू बी एक्वायर्ड बाई इज माई ट्रिप। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए मैं ऑलरेडी आपके शो पे बोल चुका हूँ कि हम FY24 के अंदर काफी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि हमारा टॉप लाइन डबल हो जाएगा। ओके, यहाँ से टॉप लाइन डबल होगा FY24 में, तो क्लियरली काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एंटिसिपेट आप कर रहे हैं। वेरी क्विकली मैं जानना चाहूँगी, आप जो पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली अपनी रीच बढ़ा रहे हैं, कितने होटल्स के साथ आपने अभी तक पार्टनर किया है, कितने रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट्स के साथ अभी आप हैं, और वो नंबर बाय द एंड ऑफ द ईयर क्या लग रहा है जिस तरह से आप एक्सपैंड कर रहे हैं? देखिए, ईजमा ट्रिप के अंदर, ईजमा ट्रिप के प्लेटफॉर्म पे लगभग 20 लाख होटल अवेलेबल हैं, ऑलमोस्ट अबाउट 56,000 ट्रैवल एजेंट्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका है ईजमा ट्रिप के ऊपर, और ये नंबर काफी तेजी से ग्रो होता जा रहा है। हमारा जो होटल की बुकिंग थी वो लास्ट ईयर डबल से ज्यादा बड़ी थी, हम इस साल भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये साल भी हमारा जो होटल का बुकिंग है वो डबल से ज्यादा ग्रो हो। ओके, ऑल राइट, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए किस तरीके के ये एक्विजिशंस जो हुए हैं उनका क्या मायने हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली जो आप बुलिशनेस है इस सेक्टर पे, इस स्पेस में, उसके बारे में जो आप बता रहे थे वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्लियरली कंपनी एक तरह से टॉप गियर में है व्हेन इट कम्स टू एक्विजिशंस एंड द ग्रोथ आउटलुक एंड बिजनेस गोइंग फॉरवर्ड।